यह हुआ है, देखिए वो आप सरकार जैसे करेगा उसी ने आएगा। वहाँ MBBS का तैयारी करने गए थे। रसिया यूक्रेन के बीच जारी जंग की स्थिति में मुजफ्फरपुर से फिर से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गांव से एक छात्र यूक्रेन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एक तरफ भारत सरकार कई भारतीय लोगों को लाने की रेस्क्यू कर रही है, वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों में मातम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, यूक्रेन में फंसा मुरौल का MBBS छात्र सुमित राज कॉलेज प्रशासन ने देश लौटने के लिए कहा। फ्लाइट बंद होने के कारण निकलने की अनुमति नहीं है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पिलखी निवासी दिलीप चौधरी के पुत्र सुमित कुमार भारत सरकार और बिहार सरकार से जल्द सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रही है। जब हमारे संवाददाता राकेश चौधरी पिलखी निवासी दिलीप चौधरी के पास पहुंचे, तब उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र सुमित कुमार यूक्रेन में रहकर MBBS की तैयारी कर रहे हैं, और यदि हमारे देश में इस चीज की तैयारी कराई जाती तो भारत के कई लोग यूक्रेन नहीं जाते। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी बताया और परिवार वाले भी भारत सरकार से गुहार कर रही है कि हमारे बच्चे और भारत के जितने भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भारत सही सलामत पहुंच जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट संवाददाता राकेश चौधरी के साथ। सर, आपके लड़का जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं, क्या कुछ संदेश वहाँ से आया है और किस प्रकार से आप लोगों को बातचीत हो रही है? व्हाट्सएप से बातचीत हो रही है, बातचीत तो होवे करता है, लेकिन अभी वो आने का कोई प्रोग्राम उस वक्त नहीं है। वो हुआ है, देखिए वो आप सरकार जैसे करेगा उसी ने आएगा। वो खड़किम में है। खड़किम में कब यहाँ से गए थे? वो दिसंबर में गए थे, 12 तारीख इसी साल। हाँ, क्या करते हैं वो वहाँ? MBBS का तैयारी करने गए थे। आखिरी बात कब हुई थी आपसे? आज सुबह में 6 बजे हुआ। क्या कुछ कठिनाई उन्होंने बताया? अभी तक तो कठिनाई नहीं बताया, बोला है सब चीज़ ठीक है, खाना पीना हो रहा है, सब चीज़ ठीक है, लोग बंकर में रह रहा है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से ये है कि वहाँ से किसी तरह वापस हो जाए, वो सब चला घर में सभी लोग के पास तो टेंशन हो गया है। क्या हाँ, घर में टेंशन बना हुआ है, सब लोग परेशान है थोड़ा सा। क्या नाम था आपके लड़का का? सुमित राज। क्या सुमित राज जी को MBBS की पढ़ाई के लिए आप वहाँ भेजे? हाँ। तो कितने वर्षों से वहाँ रह रहे हैं? अभी फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएट किया था। फर्स्ट ईयर में? आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार चौधरी। कौन से जगह? पिलखी। अच्छा सर, ये बता सकते हैं कि वो वहाँ गए और आपने अपने पुत्र को भेजा वहाँ पे, कहीं ना कहीं मेहनत वहाँ कर रहे हैं, तो सरकार क्या अपने भारत में ऐसा नहीं पढ़ सकती कि वहाँ भेजना? सरकार यहाँ इंडिया में वैसा अथी ना है, मैंने उतना पैसा, मैंने वहाँ कम खर्च में वहाँ पैसा लग रहा था ना, यहाँ बेसी पैसा लग रहा था, इसलिए वहाँ लोग गया। तो आपको उनसे बात हुआ, खाना पीना ये सब? हाँ, सब ठीक है। हेलो, माय नेम इज सुमित राज, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएन कॉलेज एंड नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। नाउ आई स्टैंड इन हॉस्टल में बेसमेंट, हेयर द मैनेजमेंट आर वेरी गुड। माय हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट, प्लीज इवैक्यूएट अस बिकॉज आई एम इन खार्किव सिटी एंड हेयर द सिचुएशन आर गोइंग वेरी बैड टू वर्स्ट। अब राशन लाने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके गांव सरफुद्दीनपुर में खुल गया BM जनरल स्टोर, जिसमें आपको आपके हर जरूरत की राशन घर बैठे मिलेगा। बस एक कॉल करें, संपर्क सूत्र 8409989597 या फिर bmgeneralstore.com वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिख रहा होगा, वहां से लिंक पर क्लिक करके अपने घर के लिए राशन को ऐड करें और ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें। मार्केट जैसा दाम घर पर पहुंचाकर मिल रहा है तो ट्राई जरूर करें। और हाँ, 10 किलोमीटर के अंदर में होम डिलीवरी पाने के लिए संपर्क करें 8409989597।